गुड मॉर्निंग सेंटियंस, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। टुडे वी रीड क्लास फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर। ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 49, एक्सरसाइज चैप्टर 16। पुट द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वन हैज बीन डन फॉर यू। ये देखो, यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है, करके दे चुके हैं, एंड आपको यहाँ पे कौन सा मार्क लगाना है। हमने 3 मार्क पढ़े थे, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप एंड एक्सक्लामेशन मार्क। इन तीनों मार्क के अलग अलग लाइंस दी हुई हैं और उनमें कौन सा मार्क कौन सी जगह पे आएगा हमें करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, वीना विल नाउ सिंग द नेशनल एंथम। वीना विल नाउ सिंग द नेशनल एंथम। वीना नेशनल एंथम गाने वाली है, तो वहां क्या आएगा, फुल स्टॉप। हमने यहाँ क्या लगाया है, फुल स्टॉप। हाउ वेल शी सिंग, उसने कैसा गाया, ये एक क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। डज शी गो टू लर्न सिंगिंग फ्रॉम मिसेस गायत्री। क्या वो मिसेस गायत्री से सीखने जा रही है गाना, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाओ, हैव ब्यूटीफुल द स्टेज लुक टुडे। वाओ, वाओ एक एक्सक्लेमेशन मार्क में आता है जो फीलिंग एक्सप्रेस करता है, तो यहाँ पे वाओ के जस्ट बाद में हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। वुड डेकोरेट द स्टेज, स्टेज को डेकोरेट किसने किया, ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे। अलास देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर फुल स्टॉप का साइन लगाएंगे क्योंकि इसमें कहा गया है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वन कैन सी ऑल द पिक्चर्स दैट वी हैव पुट अप। किसी ने नहीं देखी है वो पिक्चर्स जो हमने यहाँ पे रखी हैं, तो यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। एक लाइन जो सेंटेंस जब कहा जाता है उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वुड यू टॉक टू समवन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, क्या तुम किसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात करोगी, ये एक क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे। हुर्रे द लाइट हैव कम डन, वाओ लाइट आ गई है, तो यहाँ हुर्रे वर्ड जो है वो फीलिंग एक्सप्रेस करता है, तो जहाँ पे फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं वहाँ हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हुर्रे के जस्ट बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन यूज किया है। नाउ वी कैन पुट द प्ले फॉर एवरीवन टू सी, हमने एक प्ले रखा है सबके सामने जो सब देख सकते हैं, ये एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस के लास्ट में हमने फुल स्टॉप का साइन लगाया है, जैसा हमने पढ़ा था सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप का साइन लगाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन अ रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क, राइट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द ब्लैंक गिवन नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस। यहाँ पर क्या किया गया है कि हर सेंटेंस के बाद में एक पंक्चुएशन लगाया गया है, एक मार्क लगाया गया है, लेकिन वो मार्क गलत है, उसे हमें सही करना है, और जो सही करना है वो हमें यहाँ लिखना है। सो ए क्या कहता है, द लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, द लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस के लास्ट में एक फुल स्टॉप आता है ना कि क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क ये गलत है और यहाँ पे हम फुल स्टॉप का साइन लगाएंगे। वो इज माइटर देन द लॉयन, वो इज माइटर देन द लॉयन, यहाँ पे क्वेश्चन होता है ये, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया गया है जो कि साइन गलत है, यहाँ हम इसको सही करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा के। हेयर इज द फोन नंबर ऑफ माई सिस्टर, ये मेरा फोन नंबर, ये मेरी सिस्टर का फोन नंबर है, ऐसा कहा गया है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है जो कि फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क हम यहाँ से हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। वाओ, हैव नीट योर हैंड राइटिंग इज, वाओ तुम्हारी हैंड राइटिंग कितनी क्लीन है, कितनी नीट है, तो वाओ जब आया तो यहाँ पे फीलिंग एक्सप्रेस हुई है, यहाँ पे सरप्राइज फीलिंग है, एक्साइटमेंट फीलिंग है, तो यहाँ हम कौन सा साइन यूज करेंगे,
एक्सक्लेमेशन साइन यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द ई. व्हाई इज द टीचर एब्सेंट टुडे? आज टीचर क्यों एब्सेंट है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किसी से, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क हटाकर क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा. ओके सो स्टूडेंट्स, कम टू द नंबर एफ. यीपी एक फिलिंग एक्सप्रेस वर्ड है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, जबकि ये गलत है. तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क. हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है. यीपी टुडे फादर इज गोइंग टू गेट मी अ लिटिल पपी. फादर पपी लेने के लिए जा रहे हैं, उन्हें पपी लेने के लिए जा रहे हैं. तो यहाँ हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क क्योंकि यीपी आया है इस वर्ड, इस लाइन में. मीना इज ओल्डर देन सीमा. मीना ओल्डर देन सीमा, मीना सीमा से ओल्ड है. तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा फुल स्टॉप, जबकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, जो कि ये गलत है. ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द एच. आर द वू गर्ल सिस्टर? क्या ये दोनों गर्ल्स सिस्टर्स हैं? ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, तो ये फुल स्टॉप हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. वे आर दे गोइंग? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आना चाहिए, यहाँ से एक्सक्लेमेशन मार्क हटेगा एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, कम टू द एच पॉइंट. फ्यू हाउ फॉर द मार्क इज? फ्यू कितने मार्क्स आए? तो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा, जबकि यहाँ फुल स्टॉप लगाया गया है, ये फुल स्टॉप हट जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स. ओके स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इज ओवर. स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे.